वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंगे हेडलाइंस के नाम। सेनेगल के उत्तरी तट के नेड़े पलटी यूरोप जा रही बेड़ी, दर्जना प्रवासियों की हुई मौत, कई जख्मी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अल कादिर भ्रिष्टाचार केस के आयद किए गए दोष, 6 मार्च को होगी अगली सुनवाई। पांच महीनों तो जारी जंग के कारण 30,000 तो वध फलस्तीनिया की हो चुकी है मौत, 70,457 जख्मी। गाजा की 1/4 आबादी कर रही है भुखमरी का सामना। चोणों तो कुछ दिन पहला पुतिन ने रूस के लोगों को किया संबोधन, कहा रूस को कमजोर करना चाहते हैं पछमी देश। ते हुण खबर विस्तार दे नाल। सेनेगल के उत्तरी तट उत्ते एक बेड़ी पलटण के कारण घट्टो घट 2 दर्जन लोगों की मौत हुई है, कई होर जख्मी हुए हैं। स्थानक गवर्नर ने दसिया है कि यह बेड़ी यूरोप जा रही थी, सेंट लुइस के कस्बे नेड़े पलट गई, जिथे बुधवार दोपहर में लाशां रुड़ के किनारे उत्ते आ गई, जिस मगरों अग बुझाऊ विभाग को सूचित किया गया। यह हादसा बहुत भयानक सी। जख्मियों का सेंट लुइस के एक हस्पताल के इलाज चल रहा है, हादसे के आले दुआले के हालातों की जांच शुरू कर दी गई है। स्पैनिश माइग्रेशन एडवोकेसी ग्रुप वॉकिंग बॉर्डरस अनुसार पिछले साल लक्कड़ दियां बेड़ियां उत्ते सेनेगल तो रवाना होने वाले प्रवासियों की गिणती में वाधा होया सी। 2023 के पहले 6 महीनों के समुद्री रस्ते स्पेन पहुँचने की कोशिश करते हुए लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई सी। बेरोजगारी, राजनीतिक अशांति, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वर्गे कारक प्रवासियों को भीड़ भड़के वाली बेड़ियों उत्ते अपनी जान खतरे में पाने लई मजबूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इमरान खान की पार्टी PTI का दोष है कि हाल ही के हुई आम चोणों के धांधली हुई है, कुछ दिन पहला पाकिस्तान के एक सबका अधिकारी ने भी PTI के दावों को सही ठहराते हुए हैरान करने वाले खुलासे किए सन। हुण एक बार फिर अजिहे सबूत सामने आए ने जो पाकिस्तान दीआं चोणां विच धांधली दे दावियां दी पुष्टि करदे ने। दरअसल सोशल मीडिया उत्ते 2 पाकिस्तानी आगुआं दे ऑडियो वायरल हो रहे ने, जिस दे विच दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान दीआं चोणां विच वड्डे पद्धर उत्ते धांधली होई सी अते फतवा चोरी किया गया सी। इक्तदार मिलाने के लिए हम इलेक्शन से पहले भी चीख रहे थे, सारा निजाम अदल दाव पे लगाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन, इदारे, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी सब जो है उनके स्टूजिज बने हुए हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ये आगाह हो, खान के 2 टोक अल्फाज हैं कि हमारी असल जंग जो है आज से शुरू है और ये जंग हर रोज के साथ बढ़ती जाएगी। हम मजीद बेगुनाह असीरों की नजरबंदी को परमिट नहीं कर सकते हैं। हम इलेक्शन कमीशन की जो दस्तराजियां हैं और आए दिन हमारे साथ ना इंसाफियां कर रहा है, अब इसका इख्तिताम होना चाहिए। और इलेक्शन नेशनल असेंबली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल असेंबलीज, इन सब में अब हम यकावाज होके इनको एक्सपोज भी करेंगे, इनके खिलाफ हर रोज एहतजाज सख्त से सख्तर होगा। अब हम ऐवान में जब भी जाएंगे तो तमाम नतीज की परवाह किए बगैर कोई हमारे साथ लड़ना चाहता है तो आजाद है। हमने आज भी तामुल से काम लिया जब उनकी खवातीन जो हैं गलत इशारे कर रही थी, लेकिन आज भी हमने तामुल से काम लिया। आइंदा जो है जब कल स्पीकर का इंतखाब होगा तो जो जेलिए में नेज बैठे हुए हैं उनके वोट डालने पे हमारा एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपकी कियादत बिल्कुल सामने आ गई है, अब आप भी डट के निकल जाएं, अपने झंडे के साथ, खान के अलम के साथ, पूरी दलेरी और जुर्रत के साथ, क्योंकि अब कियादत आपकी हर मदद के लिए हर जिले, गांव, टाउन और तहसील में मौजूद रहेगी।
मैं कानून की हुक्मरानी वाला आदमी हूं, मेरी पार्टी की हुकूमत होगी, और अगर मरियम नवाज के खिलाफ किसी ने गैर कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, मैं पहला शख्स हूंगा कि उसका हाथ रोकूंगा। कत्यान इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते हैं कि वो पुराने अदवार के असबाक दोहराए जाए कि जब किसी के साथ हीरोइन नाजायज डाला जाता था, किसी के मियां बीवी के दरवाजे तोड़े जाते थे। हम कानूनदान हैं, हम पीटीआई के साथ, खान के साथ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान की एहतसाबी कोर्ट ने जेल दे विच बंद साबका वजीर आजम इमरान खान अते उन्हां दी बेगम बुशरा बीबी खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अल कादर भ्रिष्टाचार केस दे विच दोष पत्र दाखिल किया है। जज नासिर जावेद ने केस की सुनवाई रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल दे विच की। जज वल्लों चार्जशीट पढ़े जाण मौके खान अते बुशरा कोर्ट रूम दे विच मौजूद सन। रिपोर्ट मुताबक सुनवाई दौरान कोर्ट ने कहा है कि इस केस दे विच 58 गवाहां दे बयान दर्ज किए जाएंगे। तुहानू दस दईए कि खान अते उन्हां दी बेगम दोवां ने अपने खिलाफ लगे दोषां तों इनकार किया। केस की अगली सुनवाई 6 मार्च नूं होवेगी। कोर्ट ने नैब दे 5 गवाहां नूं पेश होण दे हुक्म दिते ने। तीन तीन कार्रवाइयां चलाई गई। खान साहब को मुकम्मल तौर पर नतोशाखाना केस में, नाल कादर ट्रस्ट केस में, और ना ही इद्दत के दौरान निकाह केस में खान साहब को या बुशरा बीबी साहबा को हक़े दिफा दिया गया। आपने देखा कि किस तरह वकीलों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और सरकार ने अपनी तरफ से ही प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके खान साहब को और बीबी साहबा को चंद दिनों में सजा सुनाई गई, जिसमें कानून आइन की धज्जियां उड़ाते हुए सजा सुनाने का जो फैसला ये किया गया था, जो कि लंदन एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन की पादाश में ये सारी कार्रवाई इसलिए डाली गई थी कि लोगों के अंदर 8 फरवरी के हवाले से एक उससे पहले एक मायूसी पैदा हो कि कप्तान इमरान खान या उनकी फैमिली या पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है और लोग वोट कास्ट ना कर सकें। लेकिन आपने देखा कि कप्तान इमरान खान ने 200 केसेस का जिस तरह दिलेरी से, बहादुरी से, जुर्रत से मुकाबला किया, आपके सामने उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमेशा जब भी हमारी मुलाकात हुई, कप्तान ने हमें हौसले की बात की, हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये मुझे सजा सुनाना चाहते हैं। अदालत के अंदर खान साहब ने कहा कि बेशक मुझे सजाए मौत सुना दें, मैं नहीं डरता, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और सजा आप सुनाएं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये जरूर आप क्रेडिट देंगे कि मैंने ये जो अमेरिका की जिन्होंने गुलामी की और उस गुलामी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने मुदाखलत करके एक आइनी वजीर आजम को जिस तरीके से अदम एतमाद लेकर ही आए, जिस तरह सिंध हाउस में मणियां लगाकर जिस तरह सारा ये प्रोसेस किया, उन्होंने कहा कि मैंने इनको नंगा किया है, ये क्रेडिट मुझे जाता है। दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी साहबा को जूं ही पता चला कि उन्हें सजा सुना दी गई है, और आपने देखा कि वो खुद चलकर अडियाला जेल के अंदर तशरीफ ले गई और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे अरेस्ट किया जाए। तो उदो वीरवार नूं गाजा शहर दे विच मनुखी सहायता की उड़ीक कर रहे फलस्तीनियों की भीड़ उत्ते इजराइली हमले दे विच दर्जना लोग मारे गए और कई जख्मी हुए हैं। शिफा हस्पताल के नर्सिंग विभाग के मुखी डॉक्टर जदल्ला शफाई ने दसिया है कि इस हमले के तकरीबन 50 लोग मारे गए हैं, 250 जख्मी हुए हैं। इस दौरान यूएन के बुलारे स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि गाजा के कई बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, लोड़ी मदद ना मिलने कारण मौतों की गिनती होर बढ़ सकती है। जिक्रयोग है कि गाजा के तकरीबन 80% लोग इस जंग के कारण बेकार हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि आबादी का 1/4 हिस्सा भुखमरी के नाल जूझ रहा है। गाजा के सेहत विभाग का कहना है कि जंग शुरू होने तो हुण तक 30,035 लोगों की मौत हो चुकी है, 70,457 जख्मी हुए हैं।
And yesterday afternoon in the Security Council, you heard from Ramesh Rajasingham, the Director of Coordination for OCHA, and he told Security Council members that at least 576,000 people in Gaza, that's one quarter of the population, are one step away from famine, with one in six children under 2 years of age in northern Gaza suffering from acute malnutrition and wasting. Practically the entire population of Gaza is left to rely on woefully inadequate humanitarian food assistance to survive. He said the UN is continuing to ceaselessly plan, search, and call for solutions to overcome the hurdles that would allow us to scale up delivery and health services. In the immediate term, this includes clearer security guarantees, a better humanitarian notification system to minimize risk, fewer restrictions on telecommunications equipment, and the removal of unexploded ordnances and the use of all possible entry points into Gaza. Carl Scow, the Deputy Executive Director of the World Food Programme, told council members that Gaza is seeing the worst level of child malnutrition anywhere in the world, adding that WFP is ready to swiftly expand and scale up operations if there is a ceasefire agreement. In the meantime, the risk of famine is being fueled by the inability to bring critical food supplies into Gaza in insufficient quantities and the almost impossible operating conditions faced by our colleagues who work in Gaza. I would say that the UN is not a party to this conflict, right? We are not the ones doing the fighting, and that's why we've repeatedly asked for a humanitarian ceasefire. Yes, there are trucks that have crossed from Israel into Gaza. The situation in Gaza is, as we've described it numerous times, almost impossible for us to do humanitarian work. There is an active conflict going on. There's a lack of, there's a breakdown of law and order. There is insufficient coordination on the security end, on deconfliction with Israel. We've laid out all the challenges. That doesn't stop us from working. It doesn't stop our colleagues who are on the ground, Palestinians, international staff, of putting their lives at risk to distribute humanitarian aid wherever they can. But it is a distribution, it is an opportunistic distribution, as opposed to one that should be better funded, better organized, and more efficient if there was a ceasefire. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਰਪ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
शुभकरण की मृतक देह नूं सवेरे पहला खनौरी बॉर्डर लिजाया गया जिथे किसानां दे वल्लों शहीद नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई। इस तों बाद बठिंडा दे जद्दी पिंड दे विच नौजवान किसान शुभकरण दा संस्कार कर दिता गया जिथे वड्डी गिणती विच किसानां समेत आम लोकां दा वी इकट्ठ वेखण नूं मिलिया। इत्थे तुहानूं इह वी दस दईए कि पंजाब पुलिस ने इस मामले विच अणछाते लोकां खिलाफ आई पी सी की धारा 302 अते 114 दे तहत मामला दर्ज कर दिता है। हुण इह वेखणा होवेगा कि सरकार शुभकरण नूं कदों तक इंसाफ देवेगी। पर जो कोई शुभकरण पूरे देश की किसानी लई कर गया, यह मेरा ख्याल है वड्डे वड्डे साडे वर्गे लीडरां दे हिस्से वी नहीं आउंदा। जिड्डी वड्डी कौम नूं किसानी नूं देण दे के गया है, सो आपां जिस तरीके दे नाल अज तुसीं सारिआं ने बड़े दुखदाई माहौल दे विच इस औखे समें दे उत्ते परिवार दे नाल आपां सारिआं ने आके मोढे नाल मोढा ला के खड़े हो, मैं ये उम्मीद करदा कि शुभकरण दी जिहड़ी सोच नूं लैके शुभकरण ने शहादत दित्ती है, जिहड़ी लड़ाई नूं लैके शुभकरण ने अपने प्राणां दी आहुति दित्ती है, इस लड़ाई नूं अगे तोरना अपने लोकां दे हिस्से आउंदा है। जो साढ़े नौजवान ने प्राणा की आहुति दे के किसानी दे लई एक विलक्षण शहादत आ मिसाल कायम की है, मेरा ख्याल है किसानी की दुनिया के विच हमेशा ध्रुव तारे की तरह चमकता रहेगा शुभकरण का नाम। सो मैं ज़्यादा बोलने वास्ते कुछ अज वक्त नहीं है, जबकि बहुत सारिया गल् आप करिए, लेकिन इन्नी कह कि आपा मैं तुहानू सब नू हथ जोड़ के बेनती करदा कि भोग दा जिहड़ा दिन तय करांगे उस टाइम दे उत्ते, हाँ हो गया हाँ फैसला होया, दस्या प्रबंधकां ने कि कल नू फुल चुगंदी रसम करन तो बाद श्री अखंड पाठ साहिब दे प्रकाश करवा के ते 3 तरीक नूं उन्हां दे भोग पाए जाने हैं और जगह भी जिहड़ी है तय करके तुहाडे सारिआं तक पहुँचदी कर देंगे, लेकिन अपना समुची किसान जमात का मजदूर जमात का किरती लोगों का जगह का भी पास हो गया है कि गुरुद्वारा साहब के कोल जो दाणा मंडी है। तो उधर हलका भुलथ तो कांग्रसी विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने शहीद शुभकरण के हक के आवाज़ बुलंद की, जिथे उन्होंने संबोधन करदिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उत्ते तिखे शब्दी हमले किए। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा पुलिस ने किसानों उत्ते हमला किया वो इकल्ले किसानों उत्ते नहीं बल्कि पंजाब की होंद उत्ते भी हमला है, तो इस गंभीर मामले उत्ते पंजाब के मुख्यमंत्री का मूक दर्शक बने रहना बेहद निंदणयोग कारा है। देखो 10 दिन बाद FIR दर्ज हुई है, 21 तरीक का नौजवान मरिया होया वा, 13 तरीक का अंदोलन चल रहा वा खनौरी ते शंभू दे बॉर्डर दे उत्ते, ते इन्ने दिनों बाद ये एक FIR दर्ज हुई है। अंग्रेजी का कोर्ट हैगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो आप इंसाफ देरी ना दें और पूरा नहीं देंगे वो जिमें कि इंसाफ ना देने दे बराबर गिणा जाता। अज दूसरी गल के पंजाब दे विच जिहड़ा हमला होया ना वो कल्ला साडा नुकसान जानी माली नहीं गा, पंजाब की होंद ते हमला किया हरियाणा की सरकार ने मिलकर BJP की केंद्र की सरकार ने, क्योंकि जिहड़ा घग्गर दरिया वा वो साढ़े पंजाब का दरिया वा, जिहड़े पुल के उत्ते आ के बैरीकेडिंग की किल लाए दीवारां खड़ियां कीतियां दरिया च टोए पकते हरियाणा पुलिस सरकार ने, वो साडी टेरिटरी आ। भगवंत कल नूं हिमाचल वाले वड़ के तेरे पठानकोट तो हमला कर देंगे, राजस्थान वाले होर तो हमला कर देंगे, तो यदा मतलब फिर आप मूक दर्शक बन के बैठे रहना वा? ये तो पहले दिन बैरीकेड लाए से पुलिस जानी चाहिए सी पंजाब की, तो वह बैरीकेड हटाने चाहिए सके, ला लैन हरियाणा वाले अपनी टेरेटरी में लाउन, वो हक बजान मिया इतने क्यों लाउन? की पुलिस कल्ले विरोधियों के खिलाफ हमले करने वास्ते परचे झूठे करने वास्ते जेलों छुट्टन वास्ते जिहड़ा बोलता चक दो ठोक दो, एक परचा दो परचे ठोक दो चक लो ढा लो, कि पंजाब पुलिस इस काम वास्ते कि आ जे बैरीकेडिंग लाए से यू हटा चाहिए सर।
इस तो अलावा 250 बंदा किसानों का घट्टो घट जिहदे पत्रकार भी ने वो जख्मी पे ने लहू लुहान किसी दी अखां तोड़ दित्तियां इत्थों जख्मी करते किसी लत तोड़ दिया प्रीतपाल बेचारा बोरी च चक के लै गए हरियाणे बोरियां च लै गए साडे नौजवानों नूं चक के हरियाणे दे विच बोरियां च जिवें कि असीं कोई माड़ी मोटी कोई चीज़ हुंदे आ कोई इट्टा रोड़े हुंदे आ जो बोरियां च पा के बजरी हुंदे जिद्दां ये साड़ी भगवंत की औकात नज़र आ रही उतों 250 बंदा फटड़ FIR क्यों नहीं दर्ज हुई इस तो नाल नाल साढ़े ट्रैक्टर भन्ने हैं साढ़े निशान साहब नू पैरां थले कुचलिया उत्थे हरियाणा के पुलिस वाले गंदियां गाला कड़ियां उत्थे किसानां दा झंडा जिहड़ा जिहड़ा ये साढ़े झंडा तो साढ़ा ट्रैक्टर है ना ये साड़ी आत्मा वा जदों उहदे ते डंडा मारदे समझ लो साड़ी आत्मा ते डंडा मारदे जदों झंडे नू कुचलदे थल्यों वो साढ़े ते साढ़े कैनेडा विच काम करवाउण तों बाद अपने मुलाजमान दीआं तनखाहां ना देण दे मामले अक्सर सुरखियां बणदे ने ते इक होर मामला सामने आया ब्रैम्पटन तों जिथे कि दीप नाम दी ट्रक मुलाजम दे वल्लों आलमन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन दे खिलाफ़ पिछले दो दिनों तों प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्हें दोष लाया कि कंपनी वल्लों उसका बनता हक नहीं दिता गया। इस प्रदर्शन दे विच कई होर पीड़ित ड्राइवर भी दीप दे नाल जुड़े ने अते अपने हकों की मंग कर रहे हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ मैसेजेस सीगे कुछ इत्थे मैं डिस्प्ले किए हुए हैं कि जदों मैं उन्होंने कह रही कि मैनू पे भेज दो कह रही कि मैं भेजना वा 10 घंटे बाद कह मैं कहा कि 10 घंटे बाद फिर मैं एक फ्रेंड ने उहदे नाल गल की वो कहती मैं 2 घंटे बाद तुहानू पे दे दूँगी। मैं 2 घंटे चलाई फिर कहती 2 घंटे होर चलाओ तो एयरपोर्ट तक लग गए लाइक जिदा इदा करी गई मेरे नाल। जदों मैं उन्होंने कहा कि मैं नहीं जिदा चला सकती मैनू पे तो पहले भेज दो मैनू कहती आ सॉरी कहती है कि सर टोल्ड अबाउट पे है ना कहें इतने यू हैव टू मूव यू कैन होल्ड ऑन टू अ ट्रक इट विल बी ट्रीटेड एज थैफ्ट। उत्थे मैं घबरा गई क्योंकि हुण उन्हें मैंने कहा हुआ वा कि उन्हें थैफ्ट एज अ थैफ्ट कंसिडर करेगी है ना। तो मैं उन्होंने कहा कि आई एम ऑलसो अंडर डिस्ट्रैस ना मैं उत्थे घबरा गई मैं ट्रक सी मैं साइड पर ही जो उन्हें मैंने सारे मैसेजेस करे ही मेरे नाल जो उन्हें थैफ्ट वाली की मैं घबरा गई मैं हूँ कल ही एक प्रोविंस आ ना मेरा कोई जान पहचान वो प्रोविंस सीगा उदो तो ना मैं पता थैफ्ट से ला सकते इल्जाम मेरे ते तो मैं चैक किया मेरे को सारा पेपर वर्क सीगा सारे मैसेजेस सी कि मैं आ ट्रक चक्या आप तो उदे करके मैं मामियां नू भी कॉल किया पुलिस नू कि कैन शी डू एनीथिंग अगेंस्ट मी फॉर थैफ्ट दे सैड नो। फिर मैं लगे कि अगर मैं हूँ ट्रक चला के जाती हाँ आ कुछ भी इंतजाम लाइक कोई भी फॉल्स एलीगेशन ला सकती हाँ मेरे ते उस तो बाद मैं उन्होंने कहा लाइक आई एम जस्ट ड्राइविंग उन्हें फिर लाइक जो मैं सारा कहा कि मैं कोई मैं तुम्हें हेल्प कर दी कोई नवा ड्राइवर अरेंज करो सारा कुछ कहती वेयर इज़ द ट्रक जस्ट आंसर मी वेयर इज़ माई ट्रक जो मैं होर डरा रही है कि थैफ्ट द एलीगेशन ऑल राइट। सो मैं उन्होंने सीधा कहता आई एम गोइंग टू SO आई वॉज एडवाइज टू गो टू SO टू फिल अप द गैस टैंक बाय अनदर कोई होर इंप्लॉई निकी उत्थे जा रही हाँ। तो मैं फिर एक वो ज़्यादा दूर ही वो 1 hour एंड हाफ अवे ही मैं राइट ना उत्थे इमोशनली थोड़ी जी डिस्ट्रॉट ही कि राइट ना उन्हें ऑलरेडी कहता कि उन्हें चोरी का इल्जाम लाना। फिर मैं गई 15 मिनट दूर एक पेट्रो पास तो नॉर्थ बैटलफर्ड उत्थे मैं कल ही रही वो फिर भी गल करती रही तो मैं उन्होंने कहा कि आई हैव पीपल हू एडवाइज मी दैट जस्ट पे मी माई मनी एंड आई विल ड्राइव योर ट्रक टू टोरंटो राइट। शी सैड आई एम विथहोल्डिंग योर मनी ड्यू टू बैड बिहेवियर एंड प्रोफेशनलिज्म एज मेंशन बिफोर। फिर वो कहती आई होप द पीपल यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम विल पे यू एज वेल। I asked her again, is that a threat that you're not going to pay me? I'm going to take my pay from Almond Transport for all the work I've already previously done. Oh, chondia ki oh cut paise dave te oh ek letter sign kare agla te mainu vi offer milya va ki agar tuhi ek letter sign kar deo fir tonu itne paise milenge te baaki unne aa vi kya kya I shouldn't have hired Punjabi goon drivers there will be no Sikh hired drivers hired by us te मैसेजेस आ सारा कुछ रिटन है चा मैनू नहीं बोलेगी सारा कुछ मैसेजेस चा ते बथेरे है मैं और ट्रक छड़िया क्योंकि मैं ऑलरेडी शुरू तो मैं पे नहीं दे रही पे ऑलरेडी अराउंड 1-2 दिन लेट ही तो वह मैं कह रही कि 2 घंटे होर चलाओ फिर पे दे दूँगी है ना। मैं फिर भी 2 घंटे होर चला के वेख्या उन्हें पे नहीं दिता फिर वो मैं धमकी रखे उन्हें कि अगर तुम हूँ ट्रक नहीं चलाते है ना फिर आई एम गोइंग टू अक्यूज़ यू ऑफ थैफ्ट। भारत में चल रहे किसानों के धरने के संबंध में हुण कैनेडा के लोग भी नित्र आए हैं। इस संबंधी सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ ओंटारियो वालों एक रैली का प्रबंध किया गया। यह मोटरसाइकिल रैली ओंटारियो खालसा दरबार तो शुरू हुई और टोरंटो के कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर जाके खत्म हुई।
जिक्र योग है कि जो पहला भी किसानों वालों धरना दिता गया तो कैनेडा भर के सिख मोटरसाइकिल क्लब के मैंबर वालों रैलियां कढ़ के किसानों का समर्थन किया गया। अज आप सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ ओंटेरियो के सदे से डैक्सी गुरद्वारा साहब की पार्किंग लाट के कट्ठे हुए हैं। आपां सारे पता पंजाब दे विच जिहड़ा हरियाणे के बॉर्डर के उत्ते साढ़े किसान वीर तशद्दुद जिस तरह के उत्ते गोले जां बंब वरते जा रहे हैं वह मनुखता दे विच आल सारी दुनिया के बैन ने पर भारत की सरकार वालों वरते जा रहे हैं। उन्होंने पंजाब के बार्डर को इस तरह बना के दर्शा दिता भी पंजाब भारत का हिस्सा नहीं। जिस तरह दीयां फोर्सेस उन्हां दीयां नारे ला रही ने धार्मिक नारे सिखा ने कदे भी किते भी लड़ाई लड़ी होवे साडा इको नारा बोले सो निहाल सत श्री अकाल वह ला के साढ़े सिख फौजी पहला तो लैके वर्ल्ड वार फस्ट सैकेंड या भारत वालों भी कितने लड़े हो इस तरह ही लड़े ने पर ये पहली बारी देखिया दूजी धर वालों जय श्री राम के नारे ला के जिस तरह का प्रदर्शन उत्ते जिस तरह दीयां गोलियां लाठी चार्ज साढ़े वीर के उत्ते किया गया वो रोस वजो आप रैली रखी सी बेशक दी बहुत कांड आ पर जिन्हें भी वीर भैन भरा इस रैली दे विच पहुंचे ने अजे मोटरसाइकिल का सीजन स्टार्ट नहीं होया पर आपां अपना रोस दर्ज कराने वास्ते भारतीय कौंसलेट ब्लू स्ट्रीट तक इतों जाने वास्ते आपां 11 बजे का समा मिलिया सी उहदे वास्ते जिन्हें भी वीर भैन भरा पहुंचे ने सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। आपां नूं समें समें सिर पंजाब दे विच भारत दे विच वसदे सिखां ते किसान अंदोलन के हक के उन्होंने नाल जोड़ने आप इकट्ठे हुए हैं। दुनिया भर के किसान वीर के नाल हमदर्दी प्रगटाने लिए उन्होंने हक के आदाना मारन जो इकट्ठे होते हैं और जो जहा माहौल हरियाणे के पंजाब के बॉर्डर के उत्ते सर्जा गया जिस तरह एक कवि ने लाइन लिखिया ने कि जंग हिंद पंजाब का होन लगा तो पातशाही फौजा भारिया ने सानू वार बार भावें कि बहुत थोड़ी गिणती गल की जाती सी तो सरकार भी यह दावा कर दिया सीगियां कि आजादी की गल करन वाले बहुत थोड़े लोग पर अज हालात ये बन चुके ने कि हर एक बंदे दे मूंह दे उत्ते यही गल आ रही है कि यार इस तों बिना साडा गुजारा कोई नहीं है और भारत सरकार लगातार इस तरह के काम करके सानू महसूस कराने की कोशिश करती रहती है कि असी भारत का हिस्सा नहीं है। वैसे तो आम तौर पर जो भी कितने गल होंगी मैं अज तक किसी भी बंदे दे मूंह तो यह गल नहीं सुनी कि जो बंदा पूछे तुसी कित्थों हो कहिंदा जी मैं पंजाब तों हां। आम तौर पर होर किसी भी कंट्री का बंदा तुहानू मिले उहनू पूछा जाए कि हाँ भी तुसी कित्थों हो कहिंदा जी मैं इटली तों हाँ। सो फिलहाल दे लई वर्ल्ड न्यूज़ दे विच इन्ना ही ते हुण मैनूं इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।